फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्रयागराज इलाहाबाद के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। आपको बता दें कि इलाहाबाद कभी देश का सबसे गौरवशाली शहर, कभी देश का सबसे संपन्न शहर, सबसे ज्यादा चर्चाओं वाला शहर और सबसे ज्यादा डेवलपमेंट वाला शहर हुआ करता था और देश के टॉप 5 शहरों में से एक हुआ करता था। फ्रेंड्स, जिस समय भारत में अंग्रेजों की सरकार हुआ करती थी उस समय इलाहाबाद देश के टॉप 4 और 5 शहरों में से एक था। जैसा कि फर्स्ट पे कलकत्ता कोलकाता, सेकंड पे दोस्तों बॉम्बे मुंबई, एंड थर्ड इज मद्रास चेन्नई, एंड फोर्थ इज सूरत, एंड फिफ्थ नंबर पे इलाहाबाद का नाम था। सो फ्रेंड्स, चलिए कुछ आपको इलाहाबाद प्रयागराज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कि प्रयागराज, इलाहाबाद और प्रयाग तीनों एक ही शहर के नाम है। हाल ही में यूपी की सरकार ने, यूपी की गवर्नमेंट ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है। प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है और यूपी का न्यायिक राजधानी है। दोस्तों, इलाहाबाद को प्रधानमंत्रियों का शहर कहा जाता है। इलाहाबाद ने देश की 16 प्रधानमंत्रियों में से 7 प्रधानमंत्री इलाहाबाद ने दिया, जिनमें फर्स्ट प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वीपी सिंह, चंद्रशेखर प्रमुख हैं जो कि इलाहाबाद के निवासी थे। इलाहाबाद को कुंभ नगरी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला का आयोजन इलाहाबाद में होता है, जिसे कुंभ मेला के नाम से जाना जाता है। हर 12 साल के अंतराल पे महाकुंभ और हर 6 साल के अंतराल पे कुंभ का आयोजन होता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है। इसके बारे में आपको डिटेल्स में आगे आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, इलाहाबाद को संगम नगरी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपको बता दें कि विश्व का एक इकलौता शहर है जहां पे 3 नदियों का संगम है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बता दें कि प्रयागराज को भगवान का निवास स्थान भी कहा जाता है और इसे पॉलिटिक्स नगरी, पॉलिटिक्स सिटी या फिर राजनीति नगरी भी कहा जाता है। जैसा कि आपको बता दें कि जो राजनीति वर्ड है, जो पॉलिटिक्स वर्ड है, वो इलाहाबाद से निकला है। राजनीति का गढ़ इलाहाबाद था। द फादर ऑफ पॉलिटिक्स इज इलाहाबाद। आपको बता दें कि इलाहाबाद को लॉयर सिटी भी कहा जाता है। पूरी एशिया में सबसे ज्यादा आपको लॉयर्स इलाहाबाद में ही देखने को मिलेंगे। जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पूरी एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। इलाहाबाद को बच्चन का शहर भी कहा जाता है। जैसा कि आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन इलाहाबाद के निवासी थे, उनका जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश ही है। फ्रेंड्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि सन 1858 ईस्वी में भारत की राजधानी इलाहाबाद सन 1858 ईस्वी में सिर्फ एक दिन के लिए बनाया गया था। जैसे कि आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद ही थी सन 1920 ईस्वी तक। उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद था। 1920 ईस्वी में इलाहाबाद से ट्रांसफर करके लखनऊ को राजधानी बनाया गया उत्तर प्रदेश का। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया का प्रथम एयरमेल और भारत का प्रथम हवाई उड़ान इलाहाबाद से नैनी के बीच में हुआ। एक बार और, पूरी दुनिया का प्रथम एयरमेल और भारत का प्रथम हवाई उड़ान इलाहाबाद से नैनी के बीच में हुआ। आपको बता दें कि नैनी इलाहाबाद से सटा हुआ एक सैटेलाइट सिटी है और उस समय अंग्रेजों के जमाने में इलाहाबाद में 5 एयरपोर्ट हुआ करते थे। अफसोस इस बात का है कि इस समय इलाहाबाद में एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट, जो कि इलाहाबाद में ही स्थित है। आपको बता दें कि इलाहाबाद का विश्वविद्यालय देश का 4th विश्वविद्यालय है। जैसे कि पहला विश्वविद्यालय कलकत्ता यूनिवर्सिटी, एंड सेकंड इज बॉम्बे यूनिवर्सिटी, एंड थर्ड इज मद्रास यूनिवर्सिटी, एंड फोर्थ नंबर पे आता है दोस्तों इलाहाबाद का विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को पूर्वी भारत का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता था। इलाहाबाद शहर को आईएएस एंड पीसीएस की फैक्ट्री भी कहा जाता है। आपको बता दें कि देश का सबसे ज्यादा आईएएस देने वाला शहर इलाहाबाद शहर है। आज भी अगर आपको आईएएस की तैयारी करना है, किसी भी स्टेट में रहते हो, बट आपको इलाहाबाद ही आना पड़ेगा। सबसे अच्छा स्थान अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन के लिए देख रहे हैं तो वो इलाहाबाद शहर है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि भारत का प्रथम रेल लाइन मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर के डिस्टेंस पे चलाया गया था, जो कि देश का प्रथम रेलवे लाइन था। और आपको बता दें कि नॉर्थ इंडिया का प्रथम रेलवे लाइन इलाहाबाद से कानपुर के बीच में चलाया गया था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद है और सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला इलाहाबाद है। यहाँ पे लगभग 65 लाख जनसंख्या इस जिले में है, इलाहाबाद जिला में, और यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या 12 है, जो कि पूरे यूपी में सबसे ज्यादा विधानसभा वाला शहर है इलाहाबाद। दोस्तों, आज भी उत्तर प्रदेश के काफी सारे
प्रधान कार्यालय इलाहाबाद में मौजूद है, जिनमें उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट इलाहाबाद, हाईकोर्ट इलाहाबाद में ही स्थित है, उत्तर प्रदेश का पुलिस हेडक्वार्टर इलाहाबाद में स्थित है, उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग इलाहाबाद में स्थित है और उत्तर प्रदेश का एजी ऑफिस इलाहाबाद प्रयागराज में ही स्थित है। आपको बता दें यूपी बोर्ड जो कि माध्यमिक शिक्षा परिषद का हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा संचालन संस्था है और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का जोन का हेडक्वार्टर इलाहाबाद में ही है। फ्रेंड्स, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला जो कि प्रयागराज में ही लगता है, आपको बता दें यह मेला 2 महीनों तक चलता है, जनवरी से लेकर मार्च के बीच में ये मेला का आयोजन होता है और यह मेला हर 12 साल में महाकुंभ और हर 6 साल में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, जब कुंभ का आयोजन होता है तब उस समय ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर होता है। इलाहाबाद को कुंभ सिटी के नाम से जाना जाता है और कुंभ प्रयागराज कुंभ को यूनेस्को ने विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको इसी टॉपिक पर इलाहाबाद की फैक्ट, अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो मुझे आप कमेंट जरूर करें और यहाँ पे 1000 लाइक का टारगेट है, 1000 लाइक जल्दी से पूरा कर दीजिए।